महुआ विधायक सबसे पहले धोखा देने का था। महुआ विधायक सबसे पहले धोखा देने का था। महुआ विधायक सबसे पहले धोखा देने का था। देखिए वैशाली में आरजेडी के हार के बाद सुबोध राय ने एक बड़ा आरोप पार्टी के नेताओं पे लगा दिया है। साफ तौर पे सुबोध राय ने कहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं के कारण, और साथ में महुआ विधायक जो वैशाली जिले के अंतर्गत आता है, महुआ विधायक मुकेश रोशन पे सीधे तौर पे भीतरघात करने का आरोप लगाया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के खासम खास महुआ विधायक मुकेश रोशन के कारण जो है कुछ जगह से वोट जो है हमें नहीं मिला, जिस वजह से आज हमारी हार हुई है। अब हार के बाद अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। वैशाली से प्रत्याशी राजद के सुबोध राय ने एक बड़ा आरोप पार्टी के विधायक पर लगा दिया है, मुकेश रोशन पे। हालांकि मुकेश रोशन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुकेश रोशन ने अपने फेसबुक पेज पे लिखा है कि मैं तन मन और धन से पार्टी को मदद किया, आरोप सिद्ध करे। साफ तौर पे मुकेश रोशन ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैं तन मन और धन से पार्टी के लिए समर्पित रहा, पार्टी को मदद किया, जिन्होंने आरोप लगाया है अपना आरोप सिद्ध करे। ऐसे ही कुछ बोल देने से नहीं होता। इस पोस्ट का मतलब है कि जो आरोप लगा है मुकेश रोशन पे वो आरोप आप सिद्ध कीजिए। चुनाव हारते ही वैशाली की सीट हारते ही सुबोध राय ने एक बड़ा आरोप पार्टी के नेताओं पर लगा दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सीट है वो एनडीए के प्रत्याशी भूषण राय से हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान एमएलसी भी है, हार गए, इस बार हार गए सुबोध राय। उन्होंने पार्टी के नेताओं पे, तेजस्वी यादव के खासम खास मुकेश रोशन पे एक गंभीर आरोप लगा दिया है और कहा है कि कुछ नेताओं के कारण, इन लोगों के कारण, महुआ विधायक के कारण आज अगर हार हुई है तो महुआ विधायक के कारण कुछ जगह का वोट जो है वो हमें नहीं मिल पाया, जिस वजह से आज हमारी पार्टी और हम यहाँ पे हार गए। मुकेश रोशन ने भी अपने फेसबुक पोस्ट में इसका जवाब दिया है और कहा है कि मैं तन मन और धन से पार्टी को मदद किया, आरोप सिद्ध करे। हालांकि सुबोध राय का कहना है कि हमने पार्टी आलाकमान के पास अपनी बातों को रख दिया है, उचित निर्णय उनको लेना है कि आखिर उनका निर्णय क्या होता है। लेकिन पार्टी ने चुनाव वैशाली में हारी, सुबोध राय चुनाव हारे और हारने के साथ ही राजद में अंदरूनी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पार्टी के अंदर ही शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात हुई कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल के आती है। फिलहाल के लिए बहनाज बिहार के साथ नमस्कार।